वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष पंकज। तो वेल इस वीडियो में बात करने वाले कि रोमन रेंस के हेल्प की वजह से हमें यहाँ पे एक बार फिर से न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस देखने को मिल चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि आज का जो हमें स्मैकडाउन देखने को मिला ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिला। तो जैसा कि हमें स्मैकडाउन की शुरुआत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है, पहले तो हमें स्मैकडाउन देखने को मिलता है ऑफकोर्स यहाँ पे स्मैकडाउन की शुरुआत ही जो कि द ब्लड लाइन से देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे रोमन रेंस ने शुरुआती में कह दिया था कि भाई दी यूसोस को यहाँ पे चैंपियनशिप जीतनी है तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। एंड इसके बाद बात करते हैं अब शो के मेन इवेंट की। एंड उससे पहले हमें देखने को मिलता है भाई एले नाइट का नेम चेंज देखने को मिलता है। एले नाइट जो कि नया डुपरी बनते हुए दिखाई देते हैं, तो उनका जो नया नाम देखने को मिला वो हमें मैक्स डुपरी देखने को मिला, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पे नेम चेंज देखने को मिल चुका है। एंड इसके बाद अब बात कर लेते हैं, वैसे हमें उतना कुछ खास भी नहीं देखने को मिला था। इससे पहले जो हमें देखने को मिला था वो था कि जो कि आंद्रे दी जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल का जो ट्रॉफी था उसको हैप्पी कॉर्बिन ने तोड़ दिया, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग था। एंड इसके बाद मेन इवेंट में देखने को मिलता है आरके ब्रो वर्सेस दी उसोस का मैच। एंड जहां पे आरके ब्रो वर्सेस दी उसोस का काफी इंटरेस्टिंग और काफी बढ़िया मैच देखने को मिला, और मैच के एंडिंग में रोमन रेंस आते हैं और वो इंटरफेयर कर देते हैं और वो अटैक करने लगते हैं जो कि रिडल के ऊपर। एंड इसके बाद हमें मतलब यहां पे रेफरी देख नहीं पाता, और इसके बाद हमें क्या थिंग देखने को मिलता है कि मैच डिस्क्वालीफाई भी नहीं होता, और इसके बाद इस मैच में हमें एंडिंग देखने को मिल जाता है जहां पे दी उसोस आरके ब्रो को यानी कि रैंडी ओटन एंड मैट रिडल को हरा कर जीत जाते हैं एंड बन जाते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस यानी कि रॉ टैग टीम चैंपियंस, और इसके बाद तो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस, दोनों चैंपियनशिप्स जो कि हमें देखने को मिलती है दी उसोस के पास में, यानी कि दी उसोस भी जो कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं, और यहाँ पे रोमन रेंस जो कि अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन तो थे ही। तो ऑफकोर्स यहाँ पे काफी अच्छा खासा ब्लड लाइन का डोमिनेंस देखने को मिला इसके दौरान, मतलब इतना अच्छा खासा चीटिंग करते हुए दिखाई दिया रोमन रेंस ने काफी अच्छा खासा स्मार्ट वर्क किया इस मैच के अंदर जो कि काफी ज्यादा इनसेन था। एंड ऑल्सो भाई स्मैकडाउन का मेन इवेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिला। एंड हमें मैच एंड खत्म होने के बाद क्या देखने को मिलता है कि रोमन रेंस एंड दी उसोस मिलकर पूरा आरके ब्रो को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देते हैं। जे उसो की तरफ से जो हमें वो हाई फ्लाई देखने को मिला और वो जंप करते हुए दिखाई देते हैं जो कि फ्रॉग स्प्लैश लगाते हुए दिखाई देते हैं सीधा जो कि रिडल के ऊपर अनाउंसर टेबल पे। एंड इसके बाद गियंटिन चोक में हमें फंसाते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस जो कि रैंडी ओटन को, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल देखने को मिला। तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना कुछ देखने को मिल जाएगा, तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला। ओवरऑल जो एंडिंग थी स्मैकडाउन की वो काफी ज्यादा डिसेंट थी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जो कि देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था ही। सो भाई वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस थिंग के ऊपर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, आपके हिसाब से कैसी स्मैकडाउन की लगी, मतलब वैसे आपका क्या ओपिनियन है जरूर बता देना। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वेल वहां पे जाके जरूर फॉलो भी कर सकते हो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या करो यार, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। ओके सो फिर मिलते हैं अगली अपडेट वाली वीडियो में, नोटिफिकेशन नहीं आएगी भले से लेकिन जरूर देखना। ओके सो फिर मिलते हैं अगली अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।